एक बार फिर से आप सभी का मौसम समाचार में स्वागत है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा अगले 24 घंटों के दौरान यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। इस वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से देंगे, वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट्स में बताइए कि किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आपको रोजाना अपडेट करते रहें। चलिए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर। मॉनसून देश भर में पूरी तरह सक्रिय हो गया है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक मौसम का कहर जारी है, जहां भीषण बारिश के चलते मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली में लगातार हो रही भीषण बारिश से कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र के 5 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया, जिसके अनुसार भारी से बेहद भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अनेक हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने का अनुमान है। यह सिलसिला 23 जुलाई तक जारी रहने की संभावना है। राजस्थान के कुछ जिलों में भी छुटपुट स्थानों पर मानसूनी बारिश होने का अनुमान है और अगले 24 घंटों में इन राज्यों में होगी तेज बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है और यूपी में अगले 3 दिन जारी रहेगी बारिश। यूपी में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के ज्यादातर हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। आंचलिक मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मॉनसून राज्य में पूरी तरह सक्रिय हो गया है। राजधानी लखनऊ तथा आसपास के इलाकों में सोमवार और मंगलवार को भी दोपहर बाद तेज बारिश हुई, इससे मौसम सुहावना हो गया। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। यह सिलसिला 23 जुलाई तक जारी रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून सक्रिय होने के बाद अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़े, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने बुधवार के अपने बुलेटिन में बताया कि राज्य में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ गरज के साथ छींटे पड़े। इसमें बताया गया कि खीरी, बरेली, बाराबंकी, सीतापुर, गोरखपुर, बहराइच, बांदा, अलीगढ़ और महाराजगंज में बारिश हुई। राज्य में सबसे अधिक तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस फतेहगढ़ में और सबसे कम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस मेरठ में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बृहस्पतिवार को राज्य में अधिकांश स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है और चेतावनी दी है कि अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। बृहस्पतिवार को राज्य के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 23 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश एवं गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना। 3 दिन तक उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में जमकर होगी बरसात। कहां कहां कब कब रहना होगा अलर्ट, आइए जानें। बुलंदशहर, पीलीभीत, हाजापुर, बदायूं और आसपास। 22 जुलाई सीतापुर, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहांपुर और आसपास। 23 जुलाई शाहजहांपुर, हमीरपुर, बांदा, हरदोई, कानपुर, उन्नाव और आसपास। और आज की जानकारी बस यहीं तक। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। मौसम की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए।